आ गए वो बजट ग्राफिक कार्ड जिनका बजट गेमर्स को इंतजार था, जिन्हें बनाना है 50 से 60 हजार का एक गेमिंग पीसी। एनवीडिया ने लॉन्च कर दिया एनवीडिया GeForce GTX 1660 ग्राफिक कार्ड, जो कि आएगा 21 से 22 हजार का। ये ट्यूरिंग बेस्ड कार्ड है जो GTX फैमिली में एंटर हो रहा है, और अगर आपको इससे भी सस्ता कार्ड चाहिए तो थोड़ा और इंतजार करें, 1650 आएगा, उसे खरीदिएगा। हाइंडिंग गेमर्स में हूं आईजी, आप देख रहे हैं गेमर चैनल, जहां बात करते हैं गेम्स और गेमिंग पीसी। तो आपका इंटरेस्ट है गेम्स और गेमिंग पीसी में तो चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए जैसे आया था 1660 Ti, वो यूज करता था TU116 चिप को, ऐसे ही ये भी यूज करता है TU116 चिप को। और ट्यूरिंग जीपीयूज जो है वो आप देख रहे हो, ये बनाए गए हैं परफॉर्मेंस के लिए, पावर के लिए, एफिशिएंसी के लिए। अब मुद्दे की बात पे आ जाते हैं। अब ये बात कर लो, आपके पुराने जो GTX के कार्ड थे जो 10 सीरीज के थे उनसे कितना तेज है। ये 1060 3GB जो कार्ड था उससे तो ये 20-40% तेज है डिपेंडिंग ऑन द गेम्स, और 10-15% तेज है सबसे चहेते ग्राफिक कार्ड्स में से एक। आज तक 10 सीरीज का सबसे चहेता कार्ड था 1060 6GB, बहुत बेकार वो कार्ड। अगर आज आप जाके देखोगे स्टीम के हार्डवेयर सर्वे में तो आपको पता चलेगा कि कितना लोग उसे प्यार करते हैं ओवरऑल अराउंड द वर्ल्ड, क्योंकि सीधी सी बात है ना, 1080p पे वो बेस्ट कार्ड था, आपको अल्ट्रा सेटिंग्स पे गेमिंग करवाता है। कई लोगों का बजट होता है कि भैया मैं जाना ही नहीं है उसके ऊपर, हमारा बजट ही नहीं अलाउ करता कि हम 2K गेमिंग कर पाए, क्योंकि मॉनिटर भी तो खरीदना पड़ेगा यार, वो भी महंगा आएगा। तो लोग कहते हैं 1080p बुरा है क्या, डेस्कटॉप है, इसे पास में तो रखना ही है, 24 इंच का या 27 इंच का, वैसे 24 इंच का ही मॉनिटर खरीदना चाहिए 1080p के लिए। वो हमने खरीदा और मस्त अपना अल्ट्रा सेटिंग पे गेम करना शुरू किया, उसके लिए बेहतरीन कार्ड था 1060, जो कि उससे ऊपर आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, जैसे 1060 के ऊपर आता था 1070, तो वो 2K के लिए कार्ड है, ईमानदारी वाली बात है। अगर आप उसे 1080p के लिए लेते हो तो आप ओवरकिल कर रहे हो। लेकिन अब आ चुके हैं 1660, तो क्या 1080p के लिए ये ओवरकिल है या फिर ठीक रहेगा? मेरे ख्याल से अब ये 1080p के लिए ये स्टैंडर्ड बन जाना चाहिए, क्योंकि आगे आने वाले गेम्स जो है वो बहुत ताकत चूसेंगे। जैसे आप देख भी रहे हो मेट्रो एक्सोडस जैसा गेम है वो बहुत ताकत चाहता है, तो 1660 जैसा कार्ड अगर आप आज खरीदोगे तो अगले 3-4 साल चलने के लिए वो तैयार है। और मेरे को बताने की बात नहीं है, जब आप बात कर रहे हो 1060 की तो आप साथ में बात कर लो AMD के RX 580 की, उसे भी सीधा कम्पीट करने आ रहा है ये वाला कार्ड। RX 580 बहुत अच्छे प्राइस पॉइंट पे बिक रहा है, तो अब भी थोड़ी बात करने वाली बात है कि इस बजट पे, जिस बजट पे RX 580 मिल रहा है और 1660 अब जो मिलेगा, कौन सा ज्यादा बेहतर है, ये आपको आगे आने वाले वीडियोस में पता चलेगा जब हम और ज्यादा डिस्कस करेंगे इसे। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, जो ये इस बजट पे हम बात कर रहे हैं ना, जैसे 1660 है, ऐसे ही पुराने गेमर्स थे वो बात करते थे 1060 3GB पे, और उनसे ही पुराने बात करते थे 960 या 970 के बारे में। अब उन लोगों के लिए तो बहुत जस्टिफाइड है जो 960 और 970 पे हैं। ये मैं बात क्यों कर रहा हूँ 960 और 970 की, देखिए कई आप भी खरीद रहे हो ना, तो कई लोग होते हैं जो हर साल नहीं बदलते हैं ग्राफिक कार्ड, अच्छा खासा लोग चलाते हैं 3 साल 4 साल 5 साल उसके बाद बदलते हैं, और इस तरह के वो मीडियम बजट वाले कार्ड खरीद लेते हैं, जब वो पुराना हो जाता तब खरीदते हैं। तो जो पुरानी जनरेशन 9th जनरेशन वाले उनके लिए तो बहुत अच्छा है, प्रॉब्लम उन्हें नहीं होगी। एनवीडिया को कुछ ना कुछ तो करना ही है ना अपने कार्ड बेचने के लिए, 120 वॉट TDP पे ये कार्ड आता है, तो उन लोगों को सिर्फ अपना कार्ड निकाल के इसे लगा देना है, कोई एक्स्ट्रा पावर इसे नहीं चाहिए। उन कार्डों में 8 पिन पावर कनेक्टर लगाए जाते थे, आप चाहो तो इसको भी सेम वही 8 पिन पावर कनेक्टर दे दो और उसका काम हो जाएगा। उन लोगों के लिए अब ये जस्टिफाइड है जो 9th जनरेशन पे थे, उनको अब इस नई जनरेशन पे आ जाना चाहिए। देखो आजकल बहुत ज्यादा क्रेज चल रहा है कि बैटल रॉयल गेम्स खेलने का, उसके लिए तो अति उत्तम है, लोगों को स्ट्रीमिंग भी करनी है उसके लिए भी ये बहुत अच्छा है। अगर आप सोच रहे हो कि स्ट्रीमर बनने का और गेमर बनने का, प्रोफेशनल गेमर बनने का, तो उसके लिए ही कार्ड है। अब देखो मैं आपको सजेस्ट करने को तो 1660 Ti और RTX 2060, 2070, 2080, 2080 Ti भी कर सकता हूं, लेकिन बजट की भी बात आ जाती है, तो उस तरह के जिसमें थोड़ा सा आपको कार्ड गेमिंग भी करनी है और आपको FPS भी ज्यादा चाहिए जिससे कि मैं कंप्लीट कर पाऊं और स्ट्रीमिंग भी करना चाहते हो, उसका उन कामों के लिए इस तरह के कार्ड्स बिल्कुल सही हैं, बजट पे आते हैं। और अगर आप, मैं बार बार कह रहा हूं, अगर आपका इतना भी बजट नहीं है कि आप 1660 ले पाओ, तो फिर इंतजार करो, आप 1650 लॉन्च होगा वो लेना। और मैं आपको एक बात बताऊं, ये अब जो कार्ड्स हैं ये एनवीडिया नहीं बनाएगा, जैसे कि आप ऊपर के कार्ड्स तो देख रहे थे, कई तो एनवीडिया खुद बनाता है, लेकिन ये जो है बोर्ड पार्टनर्स के लिए आ रहे हैं और डे वन से ही ये लॉन्च हो जाएंगे, आपको वेबसाइट्स पे आज से अब दिखने लगेंगे ये कार्ड्स। देखो सीधी सी बात है, 1660 के बारे में हमें और ज्यादा बात करनी है क्योंकि इसमें लोगों का इंटरेस्ट है, इसके लिए कौन सा CPU बेहतर रहेगा, कैसा PC बिल्ड होना चाहिए इस कार्ड के लिए, कितने बजट पे PC बनना चाहिए, इन सब जानकारियों के लिए आप लिंक चेक करिएगा डिस्क्रिप्शन में, जब वो वीडियो मिल जाएगा बन जाएगा तो मैं आपको वो दे दूंगा। और अगर आपको प्राइसेस जानने हो इन कार्ड्स के बारे में भी, तो वो भी आपको लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वो भी आप चेक करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें। मैं हूं आईजी, आप देख रहे हैं इंडिया गेमर चैनल, मैं मिलता हूं आपको वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय टाटा।